हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ देरा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बस का। बस यहाँ पे आएगी थोड़ी देर में और फिर बस से जाएगा मैं देरा। सो गाइस, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ये रूट है, ये अल-फ़ैदी से होते हुए हेरिटेज विलेज, अल रसल से होते हुए अल हयात रेजिडेंसी से होते हुए कॉर्निश देरा जाएगा। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि बस के लिए एक स्पेशल रूट बनाया गया है बीचों बीच। यहाँ पे कोई भी दूसरी गाड़ियाँ नहीं आ सकती है। उधर रोड है, इस तरफ भी रोड है, बीच में सिर्फ और सिर्फ बस के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड है। तो मैं यहीं पे खड़ा रहेगा, अभी इंतज़ार कर रहा हूँ बस का। तो देखते हैं कितनी देर में बस यहाँ तक पहुँचती है। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड टेम्परेचर 30 से ऊपर ही होगा। काफ़ी सारी बसें आ चुकी हैं, इनमें से एक डबल बस भी है। तो बस में चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। सो गाइस, फाइनली मैंने बस पकड़ ली है और मैं आधे घंटे तक पहुंच जाएगा उधर। देरा कॉर्निश एक वाटर फ्रंट कम्युनिटी है जो कि देरा के वेस्ट साइड के एंड में है। सो ये कम्युनिटी वाटर फ्रंट मार्केट है अल हमरिया पोर्ट, और यहाँ पे कुछ 5-स्टार होटल्स हैं, हयात रेजिडेंशल। सो ये जो है अल खलीज रोड 92 पे है, साउथ की तरफ, और देरा को कनेक्ट करता है देरा आइसलैंड के थ्रू, ब्रिज के थ्रू। सो कम्युनिटी ओवरव्यू कुछ इस तरीके से कि देरा कॉर्निश एक पॉपुलर रेजिडेंशियल एरिया में से आता है। जो लोग वाटर फ्रंट रेजिडेंस खोज रहे हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा है ये कम्युनिटी। लिविंग एलिमेंट्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह भी हैं, पॉपुलर इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स भी है, और खलीज रोड है जो कि आने जाने के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। और यहाँ पे पार्किंग की भी अच्छी सुविधा है, और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सही है, और यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल भी हैं।
कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।